सुप्रीम कोर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के 35 छात्रों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ जाति का संज्ञान लेने का आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने पत्र को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया है। छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पानी के कैन, आंसू गैस के गोले और लाठियों के नाजायज इस्तेमाल की हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के आदेश के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश मांगा है। पत्र में कहा गया है कि किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है। छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस को निर्दोष किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है, जो राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में दर्ज किए गए थे और किसानों के अवैध हिरासत के मामलों की जांच के आदेश दिए थे। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की इच्छा शक्ति और भावनाएं सिन क्वालिफिकेशन नॉन होती हैं, लेकिन यहां भारत सरकार किसानों की दुर्दशा में बहरे और उदासीन है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार किसानों की भावनाओं को समझने के लिए असंवेदनशील है। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के मानवाधिकार और कर्तव्यों के केंद्र के छात्रों ने सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निर्देश दिया। किसान पिछले एक महीने से विभिन्न दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से हाल ही में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कह रहे हैं। छात्रों ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और पूरे मामले की गलत व्याख्या और ध्रुवीकरण करने वाले मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोम्बडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वह किसान के विरोध के मामले में हस्तक्षेप न करे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था कि यह किसानों के विरोध में हस्तक्षेप नहीं करेगा और विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। देखने के लिए धन्यवाद।